गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इंटाइटल्ड टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन. तो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इस चैप्टर में डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से आज हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन. तो अपन ने देखा कि व्हाट डू मीन बाय प्लासेंटा, है ना. तो प्लासेंटा इज अ टिश्यू और क्यूशन लाइक आउटग्रोथ और क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर इन विच ओवल्स एंड ओवरी दे आर कनेक्ट टूगेदर. ठीक है. तो ओवरी और ओवल इनके कनेक्शन जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा बोलते हैं. ठीक है. तो हमने कार्पेल में तीन पार्ट देखे थे. कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइली और बेस में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरी. और ओवरी के अंदर जो है ओवल प्रेजेंट रहता है. अब अपन ने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में ओवल इज कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. या जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रूट्स के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं. फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब यह है कि ओवरी के अंदर ओवल प्रेजेंट होते हैं. तो ओवरी के अंदर जो है ओवल प्रेजेंट होते हैं. सो हम प्लासेंटेशन की डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ओवल इनसाइड ओवरी. ओवल के अंदर ओवरी की, ओवरी के अंदर ओवल की अरेंजमेंट कैसी है, है ना. ओवरी के अंदर ओवल की अरेंजमेंट कैसी है इसका स्टडी करना है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन, है ना. तो आपको प्लासेंटा और प्लासेंटेशन ये दोनों की डेफिनेशन क्लियर रहनी चाहिए. ओवरी के अंदर ओवल है और उनके बीच का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको अपन ने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. और एन अरेंजमेंट ऑफ ओवल इनसाइड ओवरी उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन बोल रहे हैं. अब यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो है टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, है ना. प्लासेंटेशन के कितने टाइप्स है, तो प्लासेंटेशन के हम जनरली जो है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में पांच टाइप का प्लासेंटेशन स्टडी करते हैं. मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, पराइटल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन और प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. सो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन. हमको एनसीईआरटी के बुक्स और स्टेट बोर्ड की किताब में पांच टाइप के प्लासेंटेशन के बारे में डिस्कशन में दिया गया है. ठीक है. तो पहला प्लासेंटेशन में कौन सा बता रहा हूँ, मार्जिनल प्लासेंटेशन. दूसरा प्लासेंटेशन में कौन सा बता रहा हूँ, एक्साइल प्लासेंटेशन. थर्ड प्लासेंटेशन कौन सा है, पराइटल प्लासेंटेशन. फोर्थ प्लासेंटेशन कौन सा है, बेसल प्लासेंटेशन. और फिफ्थ प्लासेंटेशन कौन सा है, प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. सो दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन. अब वन बाय वन हम देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ ओवल इनसाइड ओवरी कैसी है, उस पर से वो काइंड का प्लासेंटेशन अपन बोलते हैं. अब पहला जो प्लासेंटेशन है उसको हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्लासेंटेशन. यानी ये वर्ड ही इंडिकेट करता है कि कोई तो भी मार्जिन में प्रेजेंट है, है ना. तो ये हो गया ओवरी, ओवरी. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, यानी इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज ओवरी वॉल. ये हो गए ओवरी वॉल. अब ओवरी वॉल के मार्जिनल साइड के तरफ अगर ओवल्स प्रेजेंट होंगे, यह ओवल्स, यह ओवल्स, यह ओवल्स, यह ओवल्स, ओवल्स, तो मार्जिन, है ना, मार्जिन ऑफ ओवरी पर अगर ओवल अटैच होंगे या प्रेजेंट होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन. तो ऐसे काइंड का प्लासेंटेशन हम जनरली पी प्लांट में, जो वाटर का जो प्लांट होता है उसमें हमको जनरली जो है वो दिखता है. ठीक है. तो उसके बाद में ये बोलेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन. सो मार्जिनल प्लासेंटेशन के हम सिंपली डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इन विच ओवल्स आर प्रेजेंट और अटैच एट द मार्जिन ऑफ ओवरी और ओवरी वॉल. सो सच काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पी, पी के फ्रूट्स में जो अटैचमेंट रहता है ओवल्स का, है ना, तो ओवरी, ओवरी यानी वहां का फ्रूट्स हो गया और ओवल यानी उसके सीड हो गए, तो सीड का जो अटैचमेंट रहता है वो मार्जिनल वे से रहता है. अब दूसरा जो प्लासेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्साइल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन. एक्साइल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन यानी क्या, ये हो गई ओवरी वॉल, ये हो गए ओवल और ये हो गया सेंट्रल एक्सिस. व्हेन ओवल्स आर अटैच ऑन सेंट्रल एक्सिस
when ovules are attached on central axis of ovary, central axis of ovary. So such kind of placentation उसको अपन क्या बोलेंगे? That is called as axial kind of placentation. Axis के लिए axial word आया, यहाँ margin था इसलिए marginal word आया, ठीक है? तो when ovules are present, when ये ovule है, ये ovule है, ये ovule है, ये है central axis. When ovules are present or born or develop on the central axis of ovary, so that kind of placentation is called as इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्साइल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन. तो जनरली टोमेटो और लेमन ये फ्रूट्स को यदि कट किया तो वहां पर सीड की फ्रूट के अंदर अरेंजमेंट ऐसी रहती है, यानी वहां का फ्रूट यानी ओवरी वाल हो गया और ओवूल यानी सीड हो गया. तो सच काइंड ऑफ प्लासेंटेशन जो है हमको टोमेटो और लेमन के फ्रूट्स में दिखता है, ठीक है? उसके बाद में तीसरे काइंड का प्लासेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन. अब पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या हो रहा है? व्हाट डू मीन बाय पैराइटल प्लासेंटेशन? तो पैराइटल प्लासेंटेशन का मीनिंग होता है कि ओवल्स आर अटैच ऑन द वॉल ऑफ ओवरी. ओवल्स आर अटैच ऑन द पेरिफेरल वॉल ऑफ ओवरी. पेरिफेरल वॉल ऑफ ओवरी है ना, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन. सो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन. या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन ओवल्स आर प्रेजेंट ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी. इनर वॉल ऑफ ओवरी या आउटर वॉल ऑफ ओवरी, इनर वॉल ऑफ ओवरी. तो ओवल अगर इनर वॉल ऑफ ओवरी पर अटैच है या प्रेजेंट है तो सच काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज, उसको कौन सा प्लासेंटेशन बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन. सो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन. सो द टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इन व्हिच ओवल्स आर प्रेजेंट ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी, सो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन. तो ऐसा प्लासेंटेशन हमको जनरली मस्टर्ड के जो मस्टर्ड में दिखता है, ठीक है? तो मस्टर्ड में फ्रूट और सीड की जो अरेंजमेंट होती है, वो फ्रूट के अंदर जो सीड की अरेंजमेंट होती है वो पैराइटल वे से होती है, ठीक है? सो चौथे टाइप का प्लासेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज बेसल प्लासेंटेशन. यानी इसको अपन ने दिया फर्स्ट नंबर, इसको अपन दे रहे हैं सेकंड नंबर, इसको अपन ने दिया थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर है बेसल प्लासेंटेशन और फिफ्थ नंबर है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. सो बेसल प्लासेंटेशन यानी क्या? बेसल प्लासेंटेशन का मीनिंग होता है ये होगी दैट इज कॉल्ड एज ओवरी या ओवरी वॉल, ठीक है? तो बेस ऑफ ओवरी पे अगर ओवल अटैच होंगे, एट द बेस ऑफ ओवरी पर अगर ओवल अटैच होंगे या प्रेजेंट होंगे, तो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन कौन सा प्लासेंटेशन बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज उसको अपन क्या बोलेंगे? बेसल प्लासेंटेशन बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड एज बेसल प्लासेंटेशन. व्हेन द ओवल्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी, देन दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन कौन सा प्लासेंटेशन बोलते हैं? बेसल प्लासेंटेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, सच काइंड ऑफ प्लासेंटेशन आकर, ठीक है? अब पांचवा जो प्लासेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट बाय फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन? ओवल्स आर प्रेजेंट ऑन द फ्रीली ऑन द सेंट्रल एक्सिस बट दे आर नॉट अटैच टू द ओवरी वॉल. जैसा यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैराइटल और प्री सेंट्रल में हमारा कंफ्यूजन हो सकता है. यहाँ पर ओवल्स आर अटैच ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी. ओवल्स आर अटैच ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी. यहाँ पर भी देखो सेंट्रल एक्सिस पर ओवल्स है, सेंट्रल एक्सिस पर क्या है? ओवल्स है. यहाँ पर क्या हम बता रहे हैं कि ओवल्स आर वॉर ऑन द सेंट्रल एक्सिस विच इज नॉट अटैच टू द ओवरी वॉल. सो ओवल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस. दिस वन इज द सेंट्रल एक्सिस, दिस वन इज द सेंट्रल एक्सिस. अपन सेंट्रल एक्सिस बोलेंगे. सेंट्रल एक्सिस पर ओवल्स है लेकिन दैट सेंट्रल एक्सिस इज नॉट अटैच टू ओवरी वॉल. सो सच काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल फीग, फीग में जो प्लासेंटेशन हमको दिखता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, उसको हम बोलेंगे दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री सेंट्रल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन. सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन. हम इस तरीके से पांच टाइप ऑफ प्लासेंटेशन का स्टडी कर रहे हैं. पहला प्लासेंटेशन हमने कौन सा बताया? मार्जिनल. दूसरा एक्साइल. तीसरा पैराइटल. चौथा हम कौन सा बता रहे हैं? बेसल प्लासेंटेशन. और पांचवा हम कौन सा बता रहे हैं? प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. ध्यान रखना है, पहले प्लासेंटेशन को अपने कौन सा प्लासेंटेशन बोला? मार्जिनल प्लासेंटेशन. सेकंड को हम बोल रहे हैं एक्साइल प्लासेंटेशन. थर्ड को हमने बोला दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन. फोर्थ को हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज बेसल प्लासेंटेशन. और फिफ्थ को हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. देखो अभी हम फिर से एक बार डेफिनेशन लेते हैं. मार्जिनल प्लासेंटेशन है ना, क्या मार्जिनल प्लासेंटेशन का मीनिंग होता है? ओवल्स आर बॉर्न ऑन द मार्जिन ऑफ ओवरी. सो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल प्लासेंटेशन. फॉर एग्जांपल पी,
पी में जो प्लासेंटेशन आपको दिखता है, ओवल्स और ओवरी की अरेंजमेंट दिखती है, ओवरी के अंदर ओवल्स की अरेंजमेंट दिखती है, तो ये मार्जिनल टाइप की दिखती है। सेकंड टाइप का प्लासेंटेशन हमको ऐसा बोल रहा है एक्सहेल प्लासेंटेशन। एक्सहेल प्लासेंटेशन में क्या, ओवल्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सिस, ओवल्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सिस, तो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सहेल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो और लेमन में हमको सच काइंड का प्लासेंटेशन दिखता है। तीसरा बोल रहे हैं हम पैराइटल प्लासेंटेशन। पैराइटल प्लासेंटेशन यानी क्या, ओवल्स आर प्रेजेंट और ओवल्स आर बॉर्न ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। ये आउटर वॉल होगी या इनर वॉल होगी, इनर वॉल ऑफ ओवरी पर अगर ओवल्स का अटैचमेंट है या बॉर्न हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हो, तो सच काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लासेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, मस्टर्ड में हमको जो प्लासेंटेशन दिखता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराइटल प्लासेंटेशन। ठीक है, चौथा जो प्लासेंटेशन है कौन सा प्लासेंटेशन है, बेसल प्लासेंटेशन। तो बेसल प्लासेंटेशन किसको बोलते हैं, व्हेन ओवल्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी। ओवल्स का जो बॉर्न या डेवलपमेंट हुआ है वो किस पर हुआ है, बेस ऑफ ओवरी पर हुआ है, तो उस काइंड ऑफ प्लासेंटेशन को हम कौन सा प्लासेंटेशन बोलते हैं, बेसल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल सच काइंड ऑफ प्लासेंटेशन ऑकर इन द सनफ्लावर एंड मैरी गोल्ड, सनफ्लावर एंड मैरी गोल्ड। अब पांचवा जो प्लासेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, ओवल्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सिस बट दैट सेंट्रल एक्सिस इज नॉट अटैच्ड टू द ओवरी वॉल, सो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड क्या, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्री सेंट्रल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया है फिग, फिग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट शोज द प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। ठीक है, तो आज हमने मेनली पॉइंट कवर किया है प्लासेंटा, प्लासेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। तो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, किसके और किसके बीच में प्रेजेंट रहता, ओवरी और ओवल के बीच में प्रेजेंट रहता है। प्लासेंटेशन यानी क्या, एन अरेंजमेंट ऑफ ओवल इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर ओवल की अरेंजमेंट कैसी, ये स्टडी करना, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन का हम दूसरे वैसे ऐसा भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि फ्रूट्स के अंदर सीड की अरेंजमेंट कैसी रहेगी, वो स्टडी करना है, हम उसको भी बोल सकते हैं प्लासेंटेशन। उसके बाद में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन के कितने टाइप होते हैं। तो प्लासेंटेशन के हमने कितने टाइप बताए, पांच टाइप बताए। पहला प्लासेंटेशन अपन कौन सा बता रहे हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन। दूसरा हम प्लासेंटेशन कौन सा बता रहे हैं, एक्साइल प्लासेंटेशन। तीसरा प्लासेंटेशन कौन सा है, पैराइटल प्लासेंटेशन। चौथा है बेसल प्लासेंटेशन और पांचवा कैसा है, प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। अब मार्जिनल प्लासेंटेशन अपन किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंपली मार्जिनल प्लासेंटेशन का मीनिंग ये होता है, व्हेन ओवल्स आर बॉर्न ऑन द मार्जिन ऑफ ओवरी और ओवरी वॉल, तो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पी, पी में जो प्लासेंटेशन हमको दिखता है, पी फ्रूट में जो सीड की अरेंजमेंट दिखती है वो सच काइंड की अरेंजमेंट दिखती है। दूसरा जो प्लासेंटेशन है उसको हम कौन सा प्लासेंटेशन बोल रहे हैं, एक्साइल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन। अब एक्साइल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन यानी क्या, ओवल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। अगर ओवल सेंट्रल एक्सिस पे, ये ओवल है, ये ओवल है, ये ओवल है, अगर वो सेंट्रल एक्सिस पर बॉर्न हो रहे ओवरी के, तो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्साइल प्लासेंटेशन। ये हो गया सेंट्रल एक्सिस, ये हो गया सेंट्रल एक्सिस, ये हो गया ओवल, ये ओवल, ये दो तीन तीन ओवल सेंट्रल एक्सिस पर बॉर्न हो रहे हैं, किसके, ओवरी के, ओवरी का सेंट्रल एक्सिस है, ये पूरी ओवरी है, उसका सेंट्रल एक्सिस, उस पर अगर बॉर्न हो रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एक्साइल प्लासेंटेशन। जैसा फॉर एग्जाम्पल टोमेटो या लेमन फ्रूट में आप जो सीड के अरेंजमेंट देखते हैं वो एक्साइल टाइप का प्लासेंटेशन उसमें हमको दिखता है। तीसरा जो प्लासेंटेशन है कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन। तीसरा प्लासेंटेशन कौन सा बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं थर्ड काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैराइटल प्लासेंटेशन। व्हाट डू मीन बाय पैराइटल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन यानी क्या, व्हेन ओवल्स, ये हो गए ओवल, ये हो गए ओवल, व्हेन ओवल्स आर प्रेजेंट ऑन इनर वॉल और दे आर बॉर्न ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी, सो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैराइटल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन, उसको हम बोलते हैं पैराइटल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल हमको मस्टर्ड फ्रूट में दिखता है सीड की अरेंजमेंट दिखती है जो पैराइटल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन बताती है। चौथा जो प्लासेंटेशन है वो कौन सा प्लासेंटेशन है, बेसल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। फोर्थ काइंड ऑफ प्लासेंटेशन कौन सा है, बेसल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। तो बेसल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन में क्या होता है, व्हेन ओवल्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी और दे आर डेवलप और बॉर्न एट द बेस ऑफ ओवरी, सो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन को उसको हम क्या बोलते हैं,
ब्लेजर काइंड ऑफ प्लासेंटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर और मैरी गोल्ड में, इस फ्रूट्स में हमको जो सीड की अरेंजमेंट दिखती है फ्रूट के अंदर, वो बेसल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन बताता है। अब पांचवा जो प्लासेंटेशन है कौन सा है, प्री सेंट्रल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन। प्री सेंट्रल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन, प्री सेंट्रल काइंड ऑफ प्लासेंटेशन यानी क्या, ओवल्स आर प्रेजेंट, ये ओवल्स है, दे आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सिस बट दैट आर नॉट अटैच टू द ओवरी वॉल, कहीं तो भी ओवरी वॉल को अटैच है क्या वो, नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एक्सोस्कोपल, क्या बोलेंगे, प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल फिग, फिग में हमको जो प्लासेंटेशन दिखता है या फिग ये फ्रूट में जो सीड की अरेंजमेंट दिखती है वो प्री सेंट्रल टाइप की अरेंजमेंट दिखती है। तो आपको एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक या स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक, इसमें डायग्राम्स अच्छी तरीके से दिए हुए, इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। आपको ये डायग्राम्स जो है, मतलब आपको जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये डायग्राम्स दे दी जाएंगी, ये डायग्राम दे दी जाएंगी, ये डायग्राम दे दी जाएंगी, ये या कोई भी डायग्राम दे दी जाएंगी। इस पे आपको वो आइडेंटिफाई करने के लगा ये लगाएगा कि वो कौन से टाइप का क्लासेंटेशन है ना, या फिर आपको ये डायग्राम जो है वो अनलेबल डायग्राम दे दी जाएंगी, आपको लेबल करने पूछेगा कि सेंट्रल एक्सिस कौन सा है, ओवल कौन सा है, ओवरी वॉल कौन सी है, लोकुल यानी क्या, लोकुल भी पूछ सकता है ना, तो लोकुल भी आप बता सकते हैं कि एक लोकुल है, दो लोकुल है, तीन लोकुल है ना। तो इसमें हम मेनली किसका स्टडी करते हैं, मेनली अरेंजमेंट ऑफ ओवल इनसाइड ओवल, ठीक है। तो कोई भी डायग्राम अगर आपको दे दिया तो आपको उसका प्लासेंटेशन, ये कौन से टाइप के प्लासेंटेशन की डायग्राम है, ये आपको अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। या वो एक सारा एग्जाम्पल्स दे देगा, जैसा एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड में जो भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड में जो भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्पल कौन से टाइप का प्लासेंटेशन बताता, वो ऐसा भी सवाल आपको पूछ सकता है। जैसा पी कौन से टाइप का प्लासेंटेशन बता रहा है, टोमेटो या लेमन फ्रूट कौन से टाइप का प्लासेंटेशन बता रहा है, मस्टर्ड कौन से टाइप का प्लासेंटेशन बता रहा है, सनफ्लावर और मैरी गोल्ड कौन से टाइप का प्लासेंटेशन बता रहा है, फिग कौन से टाइप का प्लासेंटेशन बता रहा है, ऐसा सवाल वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ प्लासेंटा, डेफिनेशन ऑफ प्लासेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर भी कभी कभी आपको कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं।